पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ए साहब, कह रहे शांति स्वरूप जी से कि हीरा साहब आए। ये दास्तां है भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक की। मराठी और हिंदी दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में अपना एक अलग मकाम बनाया। नाम रमेश देव। देखिए मिस्टर, जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तमन्ना है, कम से कम एक पिक्चर में मैं अपना एक चेहरा दिखाना चाहता हूँ। इनका जन्म हुआ 30 जनवरी सन 1926 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में। ऐसा बताया जाता है कि ये पुश्तैनी तौर पे राजस्थान के जोधपुर इलाके से ताल्लुक रखते हैं और इनके पूर्वजों को छत्रपति शाहू महाराजा ने कोल्हापुर बुलाया था और इस तरह से ये कोल्हापुर में ही बस गए। दरअसल इनका परिवार चाहता था कि ये मिलिट्री में जाएं, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से इन्हें अभिनेता ही बनना पड़ा। गोपाल, तेरा शक मैं समझ गया। हुआ दरअसल यूं कि इनके वालिद साहब पृथ्वीराज कपूर के बहुत बड़े मुरीद रहे। बात है कोई सन 1947 की। इत्तफाकन शूटिंग देखने के लिए वहां पहुंच गए और एक अजब इत्तफाक और हुआ। एक बाल कलाकार जिसे उस फिल्म में काम करना था वो नहीं आया और तब इनसे कहा गया, क्यों भाई, तू काम करेगा क्या? रमेश देव ने अपने पिता की तरफ देखा, उन्होंने हामी भरी और इन्होंने कहा, क्यों नहीं, जरूर करूंगा। जानते हो महेश, मेरे दिल में कितनी ख्वाहिश है, कितने अरमान भरे हुए हैं। सीन ये था कि पृथ्वीराज कपूर इनसे टकरा जाते हैं और कहते हैं कि बेटा सामने देख के चला करो, और ये जवाब में कहते हैं, मैं तो देख के ही चल रहा था, आप जैसी हस्ती सामने आ गई और मैं टकरा गया। कमाल है, कहां ये मुंह नहीं खोलता था और अब इतना बढ़ चढ़ कर बोलने लगा है। पर अभी पूरी तरह से ये फिल्मों में नहीं आए थे। एक और अजब इत्तफाक रहा इनके साथ। ये कोल्हापुर में थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इनका मन था कि एक लड़की को ये शूटिंग दिखाने ले जाएं ताकि उस पर जरा थोड़ा रौब पड़े, लेकिन चूंकि लोग बातें बनाते लिहाजा रमेश देव साहब अपने साथ 8-10 लड़के लड़कियों को ले गए। ये तो सच है, अब इसके मुंह पर ना कैसे कहूं। वहां पर मराठी फिल्म निर्माता दिनकर पाटिल थे। उन्होंने देखा कि बाकी के जो जूनियर आर्टिस्ट हैं वो तो जरा पहलवान किस्म के लग रहे हैं, और जब इन कॉलेज के लड़के लड़कियों को देखा तो उन्होंने रमेश देव से कहा कि उन्हें तुम सबके सब इस फिल्म में थोड़ी सी एक्टिंग कर लो। लड़कियों को 10 रुपये मिले और लड़कों को 8 रुपये। यहाँ पर रमेश देव ने एक लंबा चौड़ा डायलॉग भी बोला था और इस तरह से बतौर जूनियर आर्टिस्ट इनकी शुरुआत हुई। बात तो ये है कि क्या मुझे पिक्चर में काम करने के लिए एक चांस मिलेगा। कुछ फिल्मों के बाद इन्हें बतौर विलेन रख लिया गया। राजा परांजपे की फिल्म अंधाला माख तो एक डोला में ये पहली बार बतौर विलेन नजर आए थे। मराठी फिल्मों में इनकी शुरुआत हो गई थी। मानवतेकडे नेण्यासाठी पैशाची गरज लागत नाही बेटा, त्याला गरज लागते धर्माची, संस्काराची। रमेश देव साहब अभी भी हीरो बनने से जरा दूर थे और यहाँ पर एक अजब इत्तेफाक और हुआ। फिल्म थी सता जन्मासा सोबती, लेकिन फिल्म के शुरू होने से पहले प्रोड्यूसर और हीरो के बीच में झगड़ा हो गया और तब प्रोड्यूसर साहब ने रमेश देव से कहा, क्या तुम हीरो बनना चाहोगे? शुरुआत में तो इन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अपने जमाने के बड़े जबरदस्त सिनेमेटोग्राफर ई महामाट साहब ने इनसे कहा, ऐसी बेवकूफी मत करो रमेश, हीरो बनने का मौका मिल रहा है, हीरो बन जाओ। इस तरह से ये मराठी फिल्मों में बतौर हीरो भी नजर आने लगे। काय सोचलेस रे तू, हां तुझे अब्रू वाचवण्यासाठी स्वतः बेअब्रू झाला, अनसारखं म्हणतोय काळा फासलं काळा फासलं। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ इनके जीवन में जिससे ये बहुत आहत हुए। एक बार एक चाय की दुकान पर ये चाय पीने पहुंचे, अजीब से गंदे प्यालों में चाय मिली। लोगों ने उस चाय वाले से कहा, अरे जानता नहीं, ये रमेश देव है, बहुत बड़ा हीरो है। और उस लड़के ने कहा, हीरो, ये हीरो है, गाड़ी से उतरा तो हीरो हो गया क्या? दिलीप कुमार और राज कपूर के फोटोग्राफ्स दिखाए, हीरो तो इन्हें कहते हैं। रमेश देव को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि मराठी फिल्मों में इतनी मकबूलियत हासिल करने के बाद भी यहाँ के लोकल लोग ही मुझे नहीं पहचानते, तो मैं हिंदी फिल्मों में भी काम करूंगा। और इस तरह से ये पहुंच गए राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में। अरे बस बस बस, काफी है, हाई कोर्ट में एक मामूली सा क्लर्क हूँ, जज नहीं। भले ही क्लर्क हो मगर दिखने में फिल्म के हीरो लगते हो। और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की शुरुआती फिल्म आरती में इन्होंने शशिकला के हस्बैंड का किरदार निभाया और इस तरह से हिंदी फिल्मों में इनकी शुरुआत हो गई। ये बात हुई ना समझदारी की। धीरे धीरे लोग इन्हें पहचानने लगे और इनकी मुलाकात हुई नलिनी सराफ से, जो खुद एक अभिनेत्री थी। क्योंकि अपने जमाने में रमेश देव बतौर विलेन काम कर रहे थे, इसलिए नलिनी सराफ से कहा गया था कि जरा इनसे दूर रहना। मुलाकात ट्रेन में ही हुई थी और आगे जाकर वह नलिनी सराफ इनकी जीवन संगनी बनी और बहुत जबरदस्त अभिनेत्री बनी, जिन्हें हम सीमा देव के नाम से जानते हैं। तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो, एक तुम खा लो एक वो खा लेगा, लो। धीरे धीरे इन दोनों ने बहुत सी हिंदी फिल्मों में और बहुत सी मराठी फिल्मों में साथ काम किया।
उसके बाद इन्होंने अपने खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोल ली, फिल्में भी डायरेक्ट करीं और सीरियल्स भी बनाए। विजय जरा समझदारी से काम लो, तुम्हारी जिंदगी हीरे जवाहरात से जगमगा उठेगी। अरे वो खजाना ना तुम्हारा है ना मेरा, क्यों ना उसे आधा आधा बांट ले। रमेश देव ने अपने प्रतिभा से ये साबित कर दिया था कि वे बहुत ही जबरदस्त अभिनेता हैं। रमेश देव और सीमा देव की शादी से दो बेटों का जन्म हुआ, अभिनेता बना अजिंक्य देव और फिल्म डायरेक्टर बना अभिनय देव। वाकई जूनियर आर्टिस्ट से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स, मराठी फिल्मों में विलेन से हीरो बनने तक का सफर और उसके बाद हिंदी सिनेमा में कुछ बड़े जबरदस्त किरदार, फिल्म आनंद और मेरे अपने को कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन पिताजी दूसरे के घरों में तो भाई लोग आंगन में लगे हुए पेड़ के भी टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा तू ले एक टुकड़ा मैं लेता हूँ, पर यहाँ ये बात नहीं पिताजी, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार हर एक के हिस्से में मिल जाए। रमेश देव साहब ने अशोक कुमार, हेमा मालिनी, स्मिता पाटिल, पूनम ढिल्लन और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज सितारों को समझाया था क्यों उन्हें एड फिल्म्स में काम करना चाहिए। अबे हमें जमाना पहचानता है। वाकई भारतीय सिनेमा का इतिहास जब एक सिरे से लिखा जाएगा तो रमेश देव साहब का नाम पहले पन्ने पर आएगा। आपने एक पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया था, क्या नाम था उस पिक्चर का? अरे क्या बक रहे तू, ये तो हर पिक्चर में अच्छा काम किया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।